हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आरवी किचन में। आज हम बनाएंगे तिरंगी पूड़ियाँ। ये हमने दो टमाटर लिए हैं और एक चुकंदर, एक प्याज और धनिया की पत्ती। इनका हम धोकर छीलकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। चुकंदर और टमाटर का अलग पेस्ट बनाएंगे और प्याज का अलग। और ये हमने पालक ली है और बथुए की भाजी, इनको हमने अच्छे से धोकर रख लिया है। अब हम इन्हें ब्लांच कर लेंगे। हमने गैस पर पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। पानी हमारा गर्म हो चुका। अब हम इसमें अपने बथुए की भाजी डाल देंगे और पालक की भाजी डाल देंगे और धनिए की पत्ती डाल देंगे और इसमें तीन हरी मिर्च छोटी छोटी ली हैं, इन्हें डाल देंगे और अदरक के तीन चार टुकड़े डाल देंगे और इन्हें ब्लांच होने तक पका लेंगे। हमारे पालक और बथुआ ब्लांच हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल कर और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनकी प्यूरी बना लेंगे। हमने सभी का पेस्ट बना कर रख लिया। ये चुकंदर और टमाटर का पेस्ट, ये पालक का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट, तीनों पेस्ट हमने बना कर रख लिए हैं। अब हम कोई एक बड़ा परात ले लेंगे और उसमें एक कटोरी आटा डाल देंगे। इसी कटोरी से नाप कर हम तीन कटोरी आटा लेंगे और सभी के अलग अलग गूंथ लेंगे। सबसे पहले हम चुकंदर का पेस्ट डालकर आटा बना लेंगे। धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे और इनका आटा गूंथ लेंगे। हमारा चुकंदर का डो लग चुका है। अब हम इसे ढककर रख देंगे और इसी प्रकार अपने पालक का डो भी लगा लेंगे। ये एक कटोरी आटा है, इसमें हम पालक का पेस्ट मिला देंगे, एक से दो चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और इनका भी डो लगाकर रख लेंगे। हमारे पालक का डो भी लगकर तैयार है। अब हम अपना तीसरा डो भी लगाकर रख लेंगे। ये हमने एक कटोरी आटा लिया है और इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और एक चम्मच अजवाइन डाल देंगे और एक चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और इसका भी डो लगाकर रख लेंगे। हमने तीनों डो लगाकर रख लिए हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें तेल डाल देंगे। और तेल को गरम होने देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम अपनी पूड़ियाँ बनाकर रख लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा डो लेकर इनकी लोइयाँ काट लेंगे और पूड़ियाँ बनाकर रख लेंगे।
हमने पूड़ियों को बेलकर रख लिया। अब हम बनाएंगे दूसरे टाइप की पूड़ी। ये तीनों पूड़ियों को हमने बेलकर रख लिया है। अब एक एक पूड़ी में को रख कर और उसमें हल्का हल्का तेल लगा देंगे और इसके ऊपर अपनी दूसरी पूड़ी रख देंगे। इसके ऊपर भी हम तेल लगा देंगे। अब इसके ऊपर भी अपनी तीसरी पूड़ी भी रख देंगे और इन्हें बराबर कर देंगे और तीसरी पूड़ी के ऊपर भी हल्का सा तेल लगा देंगे और अब हम इन्हें रोल कर लेंगे। और रोल को दबाते हुए लंबाई में बढ़ा लेंगे। अब हम इन्हें काट लेंगे। आगे के थोड़ा सा भाग निकाल कर अलग कर देंगे और इन्हें एक एक इंच के टुकड़े पर काट लेंगे। इसी प्रकार हम सभी रोल को काट लेंगे। अब इन्हें इस प्रकार गोल कर देंगे और दबा कर इनकी लोइयां बना के रख लेंगे। इसी प्रकार हम अपनी सारी लोइयां बनाकर रख लेंगे। हमने सभी लोइयों को बनाकर रख लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करके इन लोइयों की पूड़ियां बेल लेंगे। इनकी छोटी छोटी पूड़ियां बनाकर रख लेंगे। इसी प्रकार हम सारी पूड़ियां बनाकर रखते जाएंगे। अब हम अपनी सभी पूड़ियों को तलकर रख लेंगे। एक तरफ से सुनहरी हो जाने पर हम इन्हें पलट देंगे। अब हम इन्हें निकाल कर रख लेंगे और अपनी दूसरी पूड़ियां भी इसी प्रकार तल लेंगे। तैयार है हमारी तिरंगी पूड़ियाँ। खास अवसरों के लिए बनाइए और खाइए तिरंगी पूड़ियाँ, जिन्हें खाकर आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे।